हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो फॉर द प्राइस एनालिसिस टुडे। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमनेश सालोटकर। हर बार की तरह तीन कॉइन्स की डिस्कशन होगी इस वीडियो में। तीनों कॉइन्स के लिए बताया जाएगा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। शुरू करते हैं एटम के साथ, और एक और सांस में मैं और ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपकी एक ओपन पोजिशन है तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर बाकी कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हो आज के दिन में जो जो हमने 14 कॉइन्स डिस्कस किए, तो उसकी वीडियो के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं सुमनेश। ये आपने ऐसे ट्रेन का वो अनाउंसमेंट हो रहा है ना रेलवे स्टेशन पे, ऐसे बोल लिया। यस, सुना था मुझे ऐसे करना, बहुत कम मौका हाँ, मिलता नहीं बहुत बढ़िया था, लेकिन दिस इज वेरी गुड। है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कॉपी, मतलब एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट। बट एनीवेज, सो एटम के लेवल्स हमने चार्ट पे जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ऑलरेडी स्क्रीन पर डाल दिए। एटम डज नॉट अगेन लुक वेरी गुड, मतलब पूरा मार्केट ही गिर रहा है, दैट्स लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट एटम के साथ एक्चुअली बात ये है कि ऑलरेडी सितंबर लास्ट वीक से ड्रॉप हो रहा है। उसका सिंपल कारण ये भी है कि वो ऑलरेडी बढ़ भी चुका था, मतलब लाइक बिटकॉइन और इथेरियम ने अपने ऑल टाइम हाईज जो है वो अक्टूबर नवंबर में बनाए नए, राइट? पर एटम ने ऑलरेडी सितंबर 20 को अपना ऑल टाइम हाई बना दिया था पहले, एंड दैट मूव वाज ह्यूज बिकॉज फ्रॉम लेस देन $10, almost 9.5, से price went up till 45 in 1.5 months. So 5x in 1.5 months, which is huge movement. तो उसके बाद drop आना, मतलब profit booking होना obviously बात है, कोई वो नहीं है। But having said that, उसका उसका impact ये हुआ है recently कि Bitcoin ने all time highs भी बनाए, जब दो बार बनाए उसके बाद Bitcoin और Ethereum ने, तो वो दोनों बार इसने अपने all time high के आसपास, बस एक बार थोड़ा सा गया था, एक बार तो बस उसके मतलब टच भी नहीं कर पाया, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज कि ऑलरेडी सेलिंग चल रही थी, तो जब बिटकॉइन की वजह से सेलिंग हुई, मतलब पूरा मार्केट गिरने की वजह से, तो और बढ़ गई, राइट? सो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी वीक है। दिस वाज द ऑल टाइम हाई, दिस इज द लोअर हाई, दिस इज द लोअर हाई एंड लोअर हाई, राइट? एंड देन देयर इज दिस, यहाँ पे ये दोनों लो में से कोई भी ले लो, अगर आप ये भी ले सकते हो वैसे, बट दिस इज मच बेटर स्ट्रक्चरली देन लोअर लो एंड लोअर लो, राइट? सो दो लोअर हाई लोअर लो चाहिए, दो लोअर हाई मिल गए, तीन चार लोअर लो मिल गए, डाउन ट्रेंड सेटअप कंफर्म्ड है, तो लॉन्ग मत करो। शॉर्ट के लिए यहाँ पे एक ये पुल बैक मिला था, आई थिंक एक और इस रीजन तक तो नहीं जाएगा, शायद 33 तक तो नहीं जाएगा, बट आई थिंक ये वाला जो रीजन है 29.5-30 के बीच का, ये वाला जो मैं, हाँ, 29.5 से 30.5 वाला जो एरिया है उसमें आई थिंक एक बार पुलबैक आएगा। आई पर्सनली जस्ट, मतलब मैं ऐसा नहीं कि यहीं तक आएगा, मैं बोल रहा हूँ इन जनरल मार्केट में एक आएगा, और इसमें चांसेस हैं कि वो 29.5 से 30.5 के बीच के रेंज तक जाए, मतलब इसमें अगर आता है, अगर पूरे मार्केट के साथ तो, राइट? सो दैट इज वेयर यू कुड ऑल्सो शॉर्ट, और यू कैन ऑफकोर्स शॉर्ट व्हेन द 20 का सपोर्ट ब्रेक्स। अब वो 29.5 30 वाला जो है ऊपर का वो बहुत दूर है, इसलिए उसके चांसेस कम है ऑफकोर्स। वहीं अगर 20.97 के नीचे करो तो वो तो मतलब शॉर्ट शॉर्ट ही है, प्रॉफिट कम मिलेगा पर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, इसमें चांसेस कम है लेकिन प्रॉफिट बड़ा मिलेगा, वो ट्रेड ऑफ हमेशा होता ही है, राइट? अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ऑलरेडी मतलब 3 दिन में ही प्राइस देखो तो कितना ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, 14% पहले परसों अभी, गिरा। मतलब अभी लिटरली हाँ आज का शॉर्ट किया इस प्राइस पे तो यू माइट बी इन ट्रबल, बिकॉज़ तो ऑलरेडी वीक निकल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। हाँ तो अभी आज ही किया है तो ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत बुरा है, पर हाँ कीप योर स्टॉप लॉस टाइट, मतलब ऐसे बहुत वेट मत करो, लंबा स्टॉप लॉस लेके मत करो। छोटा सा अगर लॉस भी होता है तो निकल जाओ, फिर बड़े पुल बैक पे ऊपर के लेवल से शॉर्ट करो, मतलब अगर आता है तो, राइट? अगर आप लॉन्ग हो तो सी कि ये 21 का सपोर्ट टूटता है नहीं है, तो अगर मान लो कि आने वाले 2-3 हफ्ते नहीं टूटे तो हो सकता है कि रिवर्सल मार्केट में आ सकता है, पर अगर ऐसा हो कि आने वाले यू नो से बाय संडे और समथिंग ओनली दिस 21 ब्रेक्स, राइट, 2021, तो फिर आप पट से निकल जाओ, या मतलब एटलीस्ट प्रिपेयर टू गेट आउट ऑन द नेक्स्ट बाउंस व्हेनेवर इट कम्स, राइट? सो दिस 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलरेडी बेरिश, आई एग्री, बट द थिंग इज कि जैसा आपने बोला कि यहाँ पे थोड़े वीक्स वगैरह दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बाउंस मिल जाए, तो उसका वेट कर सकते हो आप, पर अगर 21 टूट जाए तो फिर तुरंत निकल जाओ नेक्स्ट बाउंस पे, नेक्स्ट फिर आप। कॉइन इज ब्लॉक, BLOK। हाँ, ये यही यही आई थिंक एक और मेटावर्स प्रोजेक्ट है, which is very hyped, मतलब एक और क्लियर भी चार्ट मेटावर्स में दिख प्रोजेक्ट, रही। इसके अलावा एक और मेटावर्स प्रोजेक्ट का डिस्कशन हमने इसके अलग वाले वीडियो में किया जहां पे मैना डिस्कस हाँ हुआ है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक क्लिक करके देख लो अगर देखना है तो।
राइट नहीं, देखो ही, इंटरेस्टिंग बातें हुई है वहां पे भी, तो देखना ही चाहिए क्योंकि मतलब देखना ही चाहिए, ठीक है, तो देख ही लो। तो हाँ, सो ब्लॉक टोपिया ऐसा कुछ नाम है इसका। दिस इज अ मेटावर्स प्रोजेक्ट जो हम बता रहे हैं। तो ये जब लिस्ट हुआ उसके बाद से रैली कर रहा था, क्योंकि आई थिंक अ मंथ बैक मेटावर्स वाज लाइक वेरी वेरी हॉट एंड यू नो सो मच हाइप वाज देयर। अभी स्टिल हाइप, बट तब तो क्योंकि फेसबुक ने नया नया अपना कंपनी का नाम बदला था, तो इसलिए राइट। बट क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया था, क्रिप्टो स्पेशल आया था, तो काफी ड्रॉप, उसके बाद ये ऊपर गया और अब वापस नीचे आ रहा है। इन दैट प्रोसेस मिडल लोअर हाई, राइट, ये ऑल टाइम हाई बनाया, ये लोअर हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया। अब देखना है कि ये सपोर्ट तोड़ता है तो क्या लोअर लो बनाता है। उससे आ रहा है, मैं लेवल्स आपको बताता हूँ। 0.072 इज द सपोर्ट एंड 0.098 इज द रेजिस्टेंस। ये मतलब एक सेंट से भी, सॉरी 10 सेंट से भी कम का टोकन है। 0.072, 0.098, राइट। सो दैट इज व्हाट इज, दोज आर द लेवल्स। यहाँ पे डेली पे ज्यादा देखने को नहीं है, क्योंकि अभी ये मतलब अक्टूबर में लिस्ट हुआ है और कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो हम 1 मिनट के लिए 4 आवर पे जा रहे हैं। 4 आवर चार्ट पे अगर हम देखें तो 4 आवर डाउन ट्रेंड क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। दिस इज द हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई, राइट। देयर इज दिस लो, लोअर लो, लोअर लो एंड अभी ये और भी लोअर लो, तो 2 लोअर हाई, लोअर लो, 3 4 मिल गए, क्लियर डाउन ट्रेंड। लॉन्ग प्लीज प्लीज लॉन्ग मत करो प्लीज, क्योंकि मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, अगर आपको मेटावर्स पे भरोसा है तो आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लॉन्ग मत करो प्लीज। शॉर्ट करने के लिए अभी कल ही मौका यहाँ पे दिया, कल जो पुल बैक आया था आई थिंक सुबह सुबह या दोपहर में जब भी, वो काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी था एक्चुअली शॉर्ट वगैरह क्रिएट करने का, क्योंकि काफी सारे कॉइन्स में हमने देखा दूसरे वीडियोस में भी कि वहां पे एक पुल बैक मिला है। तो दिस इज द पुल बैक दैट हैपेंड। अगर ये वापस वहां तक जाता है, जो मुश्किल लग रहा है वैसे, पर तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो, या फिर अभी ये सपोर्ट गए, देखो आज ही सुबह, बल्कि अभी इसके मतलब इसके पहले वाला जो 4 आवर कैंडल था उस तक वो सपोर्ट को टच करके ऊपर आ गया, तो अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो फिर तो फ्री फॉल ही है, क्योंकि बीच में फिर कोई है नहीं, मतलब सीधा बहुत नीचे 0.5 के भी पास कोई तो लेवल है, 0.48 है, 0.048, सॉरी 0.5 नहीं, 0.05, 0.048 वहां कहीं है, तो काफी मतलब बड़ा वो आ जाएगा। तो ये सपोर्ट टूटने का वेट आप कर सकते हो, कर क्या सकते हो, इसके नीचे शॉर्ट ही कर देना, मतलब वेट उसी का वेट है बस। और या फिर ये जो आप इसका मतलब मुश्किल लगता है मुझे तो, ये कि 0.1 तक जाए, बट ठीक है, लेट्स सी। सो दैट इज हाउ यू शुड ट्रेड इट। इफ यू ऑलरेडी हैव अ शॉर्ट तो ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 5 दिन से प्राइस गिर ही रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, होल्ड करते रहो। लॉन्ग है आपके पास तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बोला इसके नीचे फ्री फॉल है, अगर ये टूट जाता है तो आप निकल जाओ अपनी पोजिशन में से। अगर नहीं होता है और पूरा मार्केट ही, जैसे मान लो आने वाले 2 3 दिन में, जब तक आप ये वीडियो देखते हो तब तक अगर थोड़ा मार्केट बाउंस करने लगता है और उसके साथ साथ ब्लॉक का भी प्राइस बढ़ता है, तो फिर देन सी हाउ इट गोज। बट इफ दिस सपोर्ट ब्रेक्स क्विकली एग्जिट, बिकॉज देर इज नो मोर रूम उसके नीचे कहीं, राइट। सो दैट इज ब्लॉक, दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इट। लेवल्स हमने बताई दिए एंड आई थिंक इट्स हाइप्ड, बट डोंट लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप डोंट गो इन टू लाइक दैट फोमो मोड। चार्ट पे अच्छा नहीं दिख रहा, हाँ मतलब इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, वो आप अपने हिसाब से देखो, ट्रेडिंग में डज डू गुड। मतलब आपने हाइप की बात करी तो अगला कॉइन हाइप वाला ही लेते थे, शिबा इनू। ये तो शिवा इनू तो पता ही नहीं इसका क्या हो रहा है मेरे को, कि मतलब देयर आर, आपको पता है मैंने भी फोमो कर लिया शिबा में, हाँ मेरे को पता है ना, ये बात तो पता है मेरे को, मेरे को ट्वीट पे सब कुछ नहीं डालना चाहिए। नहीं एंड आई हैव बीन मेरे को तो व्हाट्सएप से फास्ट एवरेजिंग शिवा इनू हजार हजार रुपए का खरीद के। ये मेरी ना जिंदगी का एक वो बेट है कि या तो मैं इससे बहुत अमीर हो जाऊंगा कि, और या तो मैं इससे इतना गरीब नहीं होऊंगा कि मेरी जिंदगी, मेरी रात की नींद हराम हो जाए। हाँ, पर शिबा में क्यों, मतलब और भी तो प्रोजेक्ट है ऐसे, मेटावर्स, एनएफटी, ऐसे सोलाना, ब्लॉकचेन टाइप वो के सब तो स्मार्ट इकोसिस्टम। इन्वेस्टमेंट है ना। एक सी, इफ पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन डम कॉइन्स एंड मेक मनी, व्हाई शुड पीपल लाइक मी मिस आउट ऑन दैट। हम स्मार्ट कॉइन्स ढूंढते रह जाते हैं और लोग डम जगह पे पैसे डाल के अमीर हो जाते हैं। आई द अदर डे आई हैड आई आई ओपन माय क्रिप्टो स्टेटमेंट सुमनेश, बिकॉज़ आई वाज फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। आई हैड बॉट क्या डोज यार, एट 20 पैसा, ठीक है, और मैंने उसको
21 पैसा पे बेचा ये सोच के कि भाई 5% प्रॉफिट हो गया एक दिन में, ठीक। सो और वो 50 रुपए एक चला गया। लाख का डोज आई वुड हैव 80,000 और समथिंग, राइट? और आई डोंट नो, लाइक आई थिंक 40,000 और समथिंग आई हैड डोज कॉइंस, राइट? नहीं, उससे ज्यादा ही होगा। ओके 1 लाख रुपए में, 1 लाख डोज कॉइंस मेरे को 20,000 रुपए में मिले थे, राइट? ओ तो ऐसे मेरे नाउ पास, 50 रुपए का एक हो क्या आया है। ऐसे मेरे पास 10 लाख टोकन थे डोज के, ठीक सैड लाइफ इज सैड। है। तो ये अगर अगर डोज ऐसा बढ़ सकता है, फिर शिबा भी पागलों की तरह ऊपर जा सकता है, तो व्हाई नॉट, लेट्स गैम्बल विथ इट, राइट? बट अगेन आई हाँ वांट टू पर ऐड हाँ द एग्जांपल फॉर द यूजर्स दैट की पॉइंट हियर इज कि मैं 1,000 रुपए डालता हूँ, 1,000, ठीक है? नॉट अ सिंगल पेनी मोर, नॉट अ सिंगल पेनी लेस। 1,000 रुपए मुझे एक्चुअली इतना हर्ट नहीं करते इस वक्त, इसलिए मैं सिर्फ 1,000 रुपए डालता हूँ। अगर आपको 500 रुपए भी हर्ट करते हो, मत डालना एक भी पैसा, ठीक है शिवा में? या ही इज सेइंग दैट ही इज काइंड ऑफ योलोइंग बेसिकली यार। वैसे मतलब ऐसे विंगिंग, ही इज जस्ट विंगिंग इट। वो ये बोल रहे कि मेरे को नहीं पता यहाँ क्या होगा, पर ऐसे 1,000 रुपए महीना ऐसे खर्च हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए वो कर रहे। अगर एग्जैक्टली, आपको लगता है कि आपके लिए 1,000 की जगह 100 ही रुपए महीना उतना अमाउंट है, तो आप 100 से करो, राइट? इट इज जस्ट हिज वे ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, नॉट लाइक अ वेरी साउंड रिसर्च बैक्ड, राइट? सो प्लीज ऐसा मत कहना कि अरे नेमिश तो मतलब वो एक्सपर्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं, पर यहाँ उनने रिसर्च नहीं किया, या यहाँ उनने मतलब पर से इट्स नॉट लाइक अ वेरी सॉलिड इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट इज मेड, एंड दैट्स व्हाई विच इट्स अ इज वेरी लिटिल मनी, राइट? राइट। एग्जैक्टली ठीक है। तो शिबा की बात कर रहे हैं, तो शिबा तो भाई मतलब ये पंप तो क्या लेवल ही बता क्रेजी। दो मेरे हाँ सो इसका जो सपोर्ट है वो तो इसमें इतने जीरो होते हैं ना, पता ही नहीं चलता। 4 0 है, 0.4 ही है ना, 4027 इज द सपोर्ट एंड 0.4035 इज द रेजिस्टेंस। मतलब पता नहीं ये कितने सेंट्स का भी सेंट्स होता है ये, तो जो भी है ये दिस दिस पंप वाज इनसेन। मतलब ये तो क्या ही हुआ, ये मेरे को कुछ समझा नहीं है कि मतलब ऐसा क्या क्या हो रहा था यहाँ पे। लाइक इन अ डे इट वेंट अप बाय 65%, क्रेजी मूवमेंट, राइट? वेरी वेरी क्रेजी मूवमेंट। एंड सिंस देन इट इज ड्रॉपिंग लाइक अ रॉक। मतलब आप देखो तो सिर्फ एक ये जो पुलबैक आया वो आया ये वाला, उसके सिवाय रोज प्राइस गिर रहा है। मतलब बीच बीच में एक दो कैंडल्स आ रही है, नॉट लाइक दैट, बट बाय रोज आई मीन कि स्ट्रक्चर बिना चेंज करे ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली प्राइस गिर रहा है। बीच बीच में ट्रेलिंग कैंडल्स ऑब्वियसली बनती है, बट सिंस लाइक द एंड ऑफ अक्टूबर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months नाउ द प्राइस इज कंटिन्यूअसली ड्रॉपिंग विदाउट अ पुलबैक। द ओनली एक्चुअल पुलबैक केम इन एट द लास्ट कपल ऑफ यू नो डेज ऑफ नवंबर। तो प्राइस काफी मतलब बेरिश लग रहा है, राइट? हैविंग सेड दैट ऑल टाइम हाई बनाया है, तो उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था, मार्केट भी गिर रहा है, राइट? सो ट्रेंड अगर हम बात करें, सो दिस इज द हाई, ऑल टाइम हाई, व्हिच इज लोअर हाई एंड लोअर हाई, दिस इज द लो, लोअर लो एंड लोअर लो, राइट? सो दो लोअर हाई लोअर लो मिल गए, क्लियर डाउन ट्रेंड, विच मीन्स के लॉन्ग नहीं करना है। शॉर्ट के लिए सपोर्ट तोड़ ही रहा है, देखो ऑलरेडी तोड़ रहा है, कैन यू सी इट? सो दिस इज प्रॉब्ली अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर, बट नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फर्स्टली। सेकेंडली वेट करो, आज ही जाके शॉर्ट नहीं करना है, कंफर्मेशन का वेट करो। एक तो वॉल्यूम श्रिंक होनी चाहिए जो ऑलरेडी हो रही है, थोड़ा देखो कल वगैरह भी और वॉल्यूम कम होती है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, कैंडल का आज क्लोजिंग कहाँ होता है, वो सपोर्ट के नीचे होता है कि नहीं, प्लस कल का भी कैंडल कहाँ क्लोज होता है वो भी देखो, उसके बाद मतलब या कल मतलब लास्ट फ्यू आवर्स तक वेट करके एंड देन प्रॉब्ली टेक अ शॉर्ट ट्रेड, लॉन्ग प्लीज अवॉइड। उसके सिवाय जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स में है, वो अगर आपको मतलब अभी यार यहाँ पे सपोर्ट टूट ही रहा है, तो आपको क्लियर ही हो जाना चाहिए कि जल्दी से आप निकल जाओ, राइट? बिकॉज बाउंस वाउंस आया भी तो थोड़ा और नीचे अगले लेवल के बाद आ सकता है, तो वो बहुत मुश्किल है। मतलब देन योर लॉस विल जस्ट बलून इवन मोर, सो विच इज नॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया। सो दैट इज शिबा इनू क्लियरली ऑन अ डाउन ट्रेंड। मतलब वो जो नेमिश डीसीए कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं ऐसे, राइट? बट ट्रेडिंग के हिसाब से दिस इज मैं नॉट अ 4 साल वेरी बाद गुड। का सोच रहा हूँ, ठीक है? अभी का कुछ नहीं हाँ सोच हाँ रहा। मैं राइट। 4 साल सो में अभी सोच रहा आप हूँ कि मेरे 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर लोग और पागल निकले और शिबा में लगा दे रहे, तो 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरा कुछ 10-12 लाख रुपए हो जाएगा। ओ भाई भाई हाँ भाई, तो नेक्स्ट ही ठीक लेवल है होप है ये तो, नेक्स्ट ही लेवल होप है ये तो। भाई, नेक्स्ट लेवल हो। मेरे को ऐसे बोल रहा, पूरी दुनिया ऐसे होप लगा के बैठी है। आई मैं अग्री, तो उनके साथ फोमो कर रहा हूँ अभी। लोग उल्टा फोमो करते हैं। सही बात है। मैंने नो बट अगर बट
बट द थिंग हियर इज कि मतलब दोनों चीजें, चाहे मैं यहाँ शॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ, चाहे नैमिश बाय करने की बात कर रहे हैं, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट मैं अपना चार्ट देख के बता रहा हूँ, नैमिश अपना एक जो उनका तरीका है कि एक छोटा सा मनी के साथ वो रिस्क ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको संभाल के करो आप लोग। यहाँ क्लियरली फॉर माई पार्ट एटलीस्ट चार्ट इज ऑन डाउन ट्रेंड, तो आप लॉन्ग मत करो। शॉर्ट का मैंने बता दिया कि यहाँ पे गिर ही रहा है, पुल बैक आना मुश्किल है, आ जाए थोड़ा तो यहाँ दिस 0.2 जो भी जितने भी 0.38 इस अगर पुल बैक आता है तो इज अ गुड एरिया टू शॉर्ट, और नहीं आता है जो कि चांसेस कम ही है वैसे भी, तो ये तो फिर गिर ही रहा है, सपोर्ट तोड़ ही रहा है, तो कल परसों देख लो शॉर्ट करने का, राइट? सो दैट इज Awesome. शिबा इनू। All right. So with that, we end this video session right here. Again, सुमनेश ने बता ही दिया, this is not a financial advice, वो उनकी expertise है. But आप please घबराइए मत, इसके अलावा और भी videos है इसके बाद, इसके पहले please go to the description and check out the links to other videos, और जाके उन videos को देखो और समझो और हमें बताओ कि यार आपके charts क्या कह रहे हैं. अगर आप charting करते हो या आप trading करते हो तो tell us what you are doing. If you have any questions, please ask. Telegram group पे आओ, YouTube पे आओ, पूछो और वहां पे हम जवाब देंगे आपको. But if you don't have anything, we are going to say goodbye. Take care. अगले वीडियो में मिलते हैं. See ya.